तो आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 4.2। और देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा सामने, लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं, बिल्कुल सीधे सच्चे सवाल हैं ये, देखिए आराम से हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, टेन इंटू वन माइनस टेन आ जाएगा आंसर। और इसको ऐसे ब्रेक करना है शिवेन कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 10 आना चाहिए, तो तीन को कैसे ब्रेक कर सकते हो जो 10 आए, 5 और 2 लिखा भी हुआ दिख भी रहा होगा आपको, तो तीन को ब्रेक कर लिया 5x माइनस 2 में, तो इसका रिजल्ट 3 आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा 10 आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए, आप जानते ही हैं कॉमन ले लिया और देखिए आंसर आ गया x बराबर माइनस 2 और x बराबर 5। समझ पाए होंगे है ना द्रिगा। तो छवि दूसरा देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसमें कौन सा स्प्लिट करें कैसे स्प्लिट करें, तो कितना आएगा और तीन और चार फैक्टर हो जाएंगे इसके, चार और तीन फैक्टर कर दिए, सवाल को सॉल्व कर दिया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ये, पिछले क्लास से करते आ रहे हैं हम लोग, इसमें हमें नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए आपको। अगला देखते हैं थर्ड नंबर का। अब थर्ड नंबर में देखिए ये वैल्यू दे रखी है 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 10। तो 7 को ऐसे ब्रेक करना है 10 हो जाए, तो ये तोड़ लिया और देखिए ब्रेक कर दिया, 7 को लिख लिया 5x प्लस 2 और इसको फिर कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू होगी x बराबर माइनस 2 माइनस रूट 2 और एक की वैल्यू होगी x बराबर माइनस 5 अपॉन रूट 2। तो ये कहानी इसकी बन गई। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस 8 को दिक्कत होगी तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू बन गई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको स्प्लिट 16 आया तो 16 को ब्रेक कर दीजिए चार चार में, 4 इंटू 4 हो गया 16 और 4x प्लस 4x मिलके हो गया 8x और स्प्लिट कर दीजिए आंसर आपके हाथ में आ गया। ये देखिए x बराबर 1/4 और 1/4 दोनों ही रूट्स सेम आ गए। ठीक, 20 रखो 10 इंटू 10 तो 100 आ जाएगा, तो इसको ब्रेक कर लिया 10 इंटू 10 प्लस 10 सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 1/10 आ गई और फिर से दूसरी की भी 1/10 आ गई, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस तरीके से आप दो चार पार्ट थे बहुत ही आसान थे, तो पूजा उम्मीद है आप कर पाएंगी इसको। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 1 में क्या प्रॉब्लम दी गई थी, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब इसको सॉल्व करना था तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कर डालो, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। 324 आया तो इसका ऐसा में ढूंढने पेयर्स तो 324 दे दे, इसके पेयर आ गए 36 इंटू 9, हो गया काम खत्म। करे आए बहुत सवाल आपने किए होंगे। दूसरा गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ऐसा ब्रेकअप चाहिए जो 750 प्रोड्यूस करे, 30 इंटू 25x आ गया, खेल खत्म। ठीक, ये भी कैलकुलेट हो गया नीचे। फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, जरा करो तो सब लोग सवाल। अब देखिए सवाल कितना सरल है जो हो जाना चाहिए, फाइंड द टू नंबर्स हूज सम इज 27, यानी एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस, तभी इन दोनों का सम 27 आएगा। एंड द प्रोडक्ट इज, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ये कितने के बराबर है 182 के, इसमें क्या रखा है तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सब एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर ये उधर चला गया, माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन। अब 182 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 182, अब इसको ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन 182 आए, तो 182 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 13। अब इसी में दिन है, एक हो गया 14 और एक हो गया 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स ले लो कॉमन, एक्स माइनस 13 या 14 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, एक्स माइनस 13, वैल्यू आ गई एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस
13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 14 एंड 13, ये आंसर आ गया। देखिए ये सवाल होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, होने ही चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग 14-13, देखिए कैसे करेंगे इसको, होना चाहिए था सब बच्चों से। देखा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुए, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, यही इसका मतलब हुआ है ना अंशिका। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 365। अब इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365, जोड़ा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये 365 आएगा, तो प्लस 1 से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 362 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारी इक्वेशन बनी। ये 182 की कहानी कैसे है, पिछली सवाल में देखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये तो सेम इक्वेशन आ चुकी है ना, 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन लिया x, तो x प्लस 14, 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14, यहाँ वैल्यू आ गई x माइनस 13 और ये आ गई x प्लस 14, एक की वैल्यू आ गई 13 और दूसरे की आ गई माइनस 14। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं पॉजिटिव, तो इसको रिजेक्ट कर दो, एक 13 होगा तो दूसरा 14, 13-14 इज द नंबर, ठीक है। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, आंसर इज ये होने चाहिए, एग्जाम में सब आते हैं ऐसे। नोट भी कर लीजिए आप, क्यों नोट नहीं किया या नोट करने का मन कर रहा है। अभी हम लोग इस तरह कर रहे हैं, थोड़ा चेंज करेंगे, आज से ही कर रहे हैं, कुछ सवाल आपको करने को बीच में दिया करेंगे और करके आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हम फील कर रहे हैं कि कई बच्चे नोट नहीं करते तो दिमाग में सन्नाटा हो जाता है उनके, ऐसी फीलिंग आई है अपने को, तो वो चीज़ थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश है। जो घर पे जाके पढ़ता है वो तो समझ लेता है, जो नहीं पढ़ता वो साफ रहता है, बैठे बैठे निकल लेता है वो, ठीक है। तो 13-14 इसका आंसर आया। विकास तुम समझ गए हो क्वेश्चन, कर पाओगे, देखते हैं, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ये अगर हम इसका बेस ले लें एक्स, लिखा दी एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, ये अगर एक्स है तो उसका जो एल्टीट्यूड यानी हाइट है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो एक्स सेंटीमीटर ये, तो एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर ये, और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे क्वेश्चन मिल जाएगी आपको इस तरह की एक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया x बराबर 12 या x बराबर माइनस 5, तो माइनस 5 हो नहीं सकता बेस है, इसलिए 12 इज द आंसर। तो ये 12 होगा, तो ये 12 माइनस 7 यानी 5 होगा, तो 5, 12, 13, खेल खत्म हो गया। ये सवाल बिल्कुल सीधे हैं, आराम से हो जाने वाले, बातें समझ में आती है। हाँ रजनीश, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो लिख सकते हैं आप यहां पर क्या कि आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना है, एक्स इन नंबर्स या नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक्स हो गया एक्स। अब लिखा है वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट, द कॉस्ट कितनी है उससे 3 ज्यादा है उसके डबल से, तो 2x प्लस 3 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमें मालूम है एक का दाम है ये और ये नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड है,
तो x इंटू 2x प्लस 3 इज द टोटल कॉस्ट. अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 90 दुनी 180, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि 180 आ जाए. इसको ऐसे ब्रेक करना है कि 180 आ जाए. 15 और 12 तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से कॉमन लिया x तो बचा 2x प्लस 15. इसमें से कॉमन लिया कितना कॉमन लिया 6, तो 2x प्लस 15 तो वैल्यू आ गई 2x प्लस 15 और दूसरी x माइनस 6, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं इसलिए 6 को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये फ्रैक्शन में आ रहा है माइनस में आ रहा है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो आंसर इज नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे इज 6 एंड द कॉस्ट इज 2 इंटू 6 प्लस 3, 15 रुपए एक की कॉस्ट है. इस तरह आंसर आ गया, दिस इज द आंसर एंड 6 इज द आंसर. बात समझ में आई? Yes, तो ये एक साइज थी आपकी, खत्म हो जाती है 4.2.